हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस रील्स वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की हिंदी शायरी स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप यहां पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहे इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अनलाइट मोशन ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अनलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, अगर आपको अनलाइट मोशन प्रो ऐप चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अनलाइट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अनलाइट मोशन पर वो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद अनलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अनलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है बैकग्राउंड वाला, इसमें आपको ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है। गाइस, यहां से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। यहां पर आप अपनी फ़ोटो को भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर गाइस, हम इस वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। गाइस, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सर्च करते ही गाइस, आपको सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गाइस, आपको सैचुरेशन को राइट साइड में स्क्रॉल करना है इस तरह से। स्क्रॉल करते ही गाइस, आपके वॉलपेपर का कलर चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से गाइस, आपको इफेक्ट को इसमें लगा लेना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है कलर एंड फिल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से गाइस, आपको इसकी लाइन को अच्छे से सेट करना है। इस तरह से आपको इसकी लाइन को अच्छे से सेट कर लेना है। आपको नीचे ब्लैक वाले कलर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसकी लाइन को नीचे साइड में इसको स्क्रॉल करना है इस तरह से। तो गाइस, आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड लग चुका है। इस तरह से गाइस, आप इस लाइन का यूज करके वाइट बैकग्राउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस, अगर आप इस वाइट बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस, आप किसी भी कलर को इसमें लगा सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस कलर को यहाँ पर लगा दिया है। आप इस तरह से किसी भी कलर को इसमें लगा सकते हैं। तो हम इस वाले कलर को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर में कितने अच्छे तरह से कलर लग चुका है। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक शायरी PNG लेटर को इसमें सेलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज होंगे, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी सभी इफेक्ट वीडियो और साउंड फ्री में मिल जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी इफेक्ट वीडियो और साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस, आपको शायरी लेटर इमेज को इसमें सेलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिला है पैसोला, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं हमारी शायरी स्क्रीन पर आ चुकी है। इस तरह से आपको इस शायरी को अच्छे से सेट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस यहां पर आपको क्लिक करना है, गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां से गाइस आपको इसमें एक और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है, आपको इसको खींच कर नीचे साइड में इसको लाना है। इस तरह से गाइस आपको नीचे का ऑप्शन मिला है एडिट शेप, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसकी लंबाई चौड़ाई को अच्छे से सेट करना है। यहाँ से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से गाइस आपको भी अच्छे से इसकी लाइन को सेट करना है। अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस इसको आप अच्छे से सेट कर सकते हैं, आप इसमें जो भी कलर लगाना चाहते हैं। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको इसमें वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद और यहाँ पर गाइस आपको इसमें रेड कलर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको कलर को इसमें सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी लाइन कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। गाइस यहाँ पर हम इसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लिखेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी इसमें लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम आईडी को इसमें लिख देंगे। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम आईडी को इसमें लिख दिया है। अब आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है रोबो टू रेगुलर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आप इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आप इसमें लगाना चाहते हैं। तो इस वाले फॉन्ट को हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसकी साइज को से आप इसकी साइज को सेट कर सकते हैं। तो हम इसकी साइज को इतना रख लेंगे। आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आप इसमें कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। गाइस आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको इस तरह से इंस्टाग्राम आईडी को नीचे साइड में अच्छे सेट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको व्यू वॉल पर क्लिक करना है। व्यू वॉल पर क्लिक करते ही आपको मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से गाइस आपको इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पार्टिकल इफेक्ट वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगी। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारी पार्टिकल इफेक्ट वीडियो लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इसमें साउंड को सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू वाले पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके साउंड वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वीडियो के साउंड को निकालना है। साउंड को निकालने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिला है थ्री डॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है एस्ट्रिक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं वीडियो का आइडियो निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। गाइस आपके जो साउंड की लेयर है, इस लेयर के बराबर आपको सभी लेयर को करना है। तो आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एंड में जाना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी लेयर ऑटोमेटिक 4 सेकंड तक लंबी हो चुकी है। इसी तरह से गाइस आपको सभी लेयर को 4 सेकंड तक लंबा कर देना है।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आप इसमें आप बॉर्डर लाइन को भी इसमें लगा सकते हैं। आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक बॉर्डर लाइन को इसमें सेलेक्ट करना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन वीडियो में ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को भी 4 सेकंड तक लंबा कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन की लेयर 4 सेकंड तक लंबी हो जाएगी। गाइस अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट करना है। जिस भी क्वालिटी में आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। गाइस कुछ ही सेकंड में हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। गाइस आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है। गाइस अगर आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो गैलरी में सेव नहीं होगी, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो गैलरी में सेव हो चुकी है। तो गाइस आप अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर रील्स, शायरी, स्टेटस, वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।